अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है इंडिपेंडेंट ब्रांच माशाल्लाह से लास्ट टॉपिक ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग कंप्लीट कर चुके देखो कोई भी चीज किसी के ड्रे से ड्राउनी नहीं हो जाया करती खुद उसको देखा जाता है एक्सपीरियंस किया जाता है कि क्या ये वाकई मुश्किल टॉपिक है आपने देखा कि टॉपिक आपको आसानी के साथ समझ में आ गया इसमें डिपेंडेंट ब्रांच बड़ी आसानी से उसके प्रॉफिट कैलकुलेट आपने कर लिए और इसी तरह से इंडिपेंडेंट ब्रांच की भी तीन रिकंसिलेशन की अकाउंटिंग एंट्रीज तीन ही एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज और तीन ही इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज टोटल नाइन आपको आसानी से समझ आ गई आज इसी इंडिपेंडेंट ब्रांच की प्रैक्टिस करनी है हमने प्रैक्टिस से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि सबसे पहला टास्क क्या है इंडिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर। सबसे पहला टास्क यह है कि आपने ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में मौजूद हेड ऑफिस के अकाउंट बैलेंस को हेड ऑफिस में मौजूद ब्रांच अकाउंट के बैलेंस के साथ रिकनसाइल करना रिकनसाइल तीन वजूहत की बुनियाद पर हो सकता है गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट एंड एनी मिस्टेक और उसके बाद वंस बोथ अकाउंट बैलेंसेज है एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट भी तीन वजूहत मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में नंबर वन

टे बाई द हेड ऑफिस हैं वो ब्रांच के फिक्स एसेट्स लेकिन मेंटेन हेड ऑफिस कर रही है ये दूसरी बात थी और तीसरी बात क्या कि अगर इंटर ब्रांच ट्रांसफर्स हैं तो उन ट्रांसफर्स को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा एडजस्टमेंट भी हो गई और उसके बाद तीन अकाउंटिंग एंट्रीज कौन सी थी इन के लिए जिसमें के ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट किया था हमने हेड ऑफिस की बुक्स में ओके okay? अब जनाब एक क्वेश्चन हम देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें मालूम होगा कि प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन कितना मुश्किल हो सकता है आइए क्वेश्चन की तरफ इस क्वेश्चन में एक ब्रांच है जो मरी में वर्क कर रही है उसने हमें ट्रायल बैलेंस भेजा उस ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस जो कि लाहौर में है उसका बैलेंस नजर आ रहा है 3240 रुपीस। ओपनिंग स्टॉक जो 1 जनवरी 2007 को हमारे पास है वो है 6000। यकीनन ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि ये ब्रांच के ट्रायल बैलेंस ने बताया हमें परचेजेस ब्रांच की गुड्स सीव फ्रॉम हेड ऑफिस ब्रांच की परचेजेस के इक्वल एक इंफॉर्मेशन ब्रांच की सेल्स गुड्स सप्लाईड टू हेड ऑफिस हम कंसिडर करेंगे कि ब्रांच इतनी इंडिपेंडेंट है कि हेड ऑफिस को सेल्स भी करती है किस्म की ब्रांच की तरफ से गुड्स सप्लाई हो रही है हेड है ऑफिस को मतलब यही हुआ कि सेल्स हैं ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस को सिक्स थाउजेंड रुपीज की फिर ब्रांच की सैलरीज जो ब्रांच ने पे की ब्रांच के डेटर्स क्रेडिटर्स रेंट एक्सपेंस सी ऑफिस एक्सपेंसेस कैश एट बैंक ब्रांच के पास जो पड़ा हुआ है ब्रांच का फर्नीचर जो ब्रांच खुद मेंटेन कर रहा है जिसका अकाउंट और उसकी डेप्रिसिएशन भी ब्रांच ने चार्ज की हुई है फोर की और जी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ब्रांच का 31 फर्स्ट ऑफ डिसंबर टू को सेवन सेवन का मरी ब्रांच का जो अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में नजर आ रहा है उसका बैलेंस 31 फर्स्ट ऑफ डिसंबर टू को फोर सिक्सटी डेबिट है यहां पर आकर एक मसला दरपेश है जी हमें वो क्या क्वेश्चन कह रहा है के ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में वो जो मरी ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है उसमें हेड ऑफिस का अकाउंट डेबिट बैलेंस है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज से और हेड ऑफिस इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसकी बुक्स में ब्रांच का अकाउंट फोर सिक्सटी रूपीज डेबिट बैलेंस है आप बताइए प्रीवियस नॉलेज पर बेस करते हुए क्या दोनों पार्टीज की बुक्स में डेबिट बैलेंस डेबिट बैलेंस अपीयर हो सकता है नहीं हो ही नहीं सकता यानी कि कैसे मुमकिन है कि मैंने आपसे तीन हजार दो सौ चालीस रुपए लेने और आपने मुझसे चार सौ साठ रुपए लेने मुमकिन नहीं मैंने अगर आपसे तीन हजार दो सौ चालीस रुपए लेने हैं तो आपने मेरे तीन हजार देने हैं ऐसा होना चाहिए या आपने अगर 460 सौ साठ रुपए मुझसे लेने हैं तो मैंने आपके 460 सौ साठ रुपए देने हैं ऐसा होना चाहिए इन दोनों में से कोई एक बात ही होगी ना सो so, यहां पर अब हमें रिकंसिलियेशन करनी है यानी कि इस झगड़े को दूर करना और रिकंसिलियेशन के लिए इस क्वेश्चन में आप आगे देखिए क्या रहा है कि थर्टी सेवन हंड्रेड रुपीज की गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजी जो कि ब्रांच थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर तक रिसीव नहीं कर सकी अब ये थर्टी सेवन हंड्रेड रुपीज की गुड्स इन ट्रांसिट हैं ये उस फर्क की वजह है तो आइए सबसे पहले हम रिकन्सिलेशन करते हैं तो रिकंसिलेशन के लिए आपको याद है कि जिसको चीजें भेजी जा रही होती हैं या जिसको कैश भेजा जा रहा होता है वो अपनी बुक्स में इन ट्रांसिट की अकाउंटिंग एंट्री पास किया करता है यहां पर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज रहा है जो कि ब्रांच ने अभी तक अकाउंट फॉर नहीं की तो ब्रांच की बुक्स में देखिए आपको नजर आ रहा है कि गुड्स इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट और हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट थर्टी सेवन हंड्रेड रुपीज और आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि अकाउंटिंग एंट्री यानी कि रिकंसिलेशन से मुतल जो अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी वो सिर्फ एक बुक में अकाउंटिंग एंट्री पास की जाएगी दोनों में पास नहीं की जाएगी दोनों में से किसी एक की किताब में तो वो हमने बुक्स ऑफ ब्रांच में इसको रिकॉर्ड किया अब आप टी अकाउंट्स देखिए आपको बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में मरी ब्रांच का टी अकाउंट नजर आ रहा है और उसकी डेबिट साइड पर ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है 460 रुपीस और मरी ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट नजर आ रहा है उसकी डेबिट साइड पर आपको फिगर नजर आ रही है ब्रॉड फॉरवर्ड 3240 हजार अब आपने जो ये अकाउंटिंग एंट्री पास की ब्रांच की बुक्स में इसके 3700 का क्रेडिट मरी ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट में आप देख सकते हैं नजर आ रहा है क्रेडिट साइट पर अब आप इसको बैलेंस कीजिए तो देखिए मरी ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट आपको अब क्रेडिट बैलेंस दे रहा है फोर सिक्सटी रुपीज का सो अब मरी ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस फोर सिक्सटी कैरी फॉरवर्ड के तौर पर नजर आ रहा है और हेड ऑफिस की बुक्स में मरी ब्रांच का टी अकाउंट जो ओपनिंग डेबिट पर डॉट फॉरवर्ड नजर आ रहा था उसको अब आप क्रेडिट साइड पर कैरी फॉरवर्ड एज इट इज लिख दें तो ये क्रेडिट साइड पर जो क्लोजिंग बैलेंस आपको नजर आ रहा है इसका कैरी फॉरवर्ड के तौर पर हकीकत डेबिट बैलेंस है तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड फोर सिक्सटी और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस 460 दोनों आपस में रिकनसाइल हो गए ले जी ये थी रिकनसिलियेशन अब हमने रिकंसिलियेशन तो कर ली अब इस रिकनसिलियेशन के बाद आप देखिए क्या इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है क्वेश्चन को देख लें। हमें इस सवाल में ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है और ये रिकन्सिलियशन की एक वजह 3700 सेवन हंड्रेड रुपीज की गुड्स इन ट्रांसिट नजर आ रही है और इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम रिकंसिलेशन करने के बाद और एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्या किया करते हैं यस yes. ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट एंड ब्रांच की बैलेंस शीट बनाया करते हैं तो आइए अब इस ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बनाए मरी ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड डेट थर्टी ऑफ डिसंबर टू सेल्स न लैख थर्टी एट थाउजेंड एंड गुड सप्लाई टू हेड ऑफिस यानी थाउजेंड रुपीज आउटोकॉलो में देखिये वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीस की टोटल सेल्स इनकम हो गई मरी ब्रांच की उनमें से ले करेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन को अपने सामने रखिए इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक 6,000 रुपीस रुपीज ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर नजर आ रहा है इसमें प्लस कीजिए

कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर बनी वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज ये जी आपने सेल्स में से लेस की तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट में से अब हमने माइनस करने लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सैलरीज फोर्टी रेंट वन Sundry office expenses one thousand four hundred and seventy and depreciation of furniture four hundred rupees. In a total Kia or minus Kia twenty eight thousand nine hundred say and we get the net profit of branch which is twenty thousand five hundred and seventy. Lenji kitna asani se aapne income statement banali. ट्रायल बैलेंस गिवन है क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपने इस तरह का काम तो पहले बेशुमार मरतबा किया हुआ है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच में अभी तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई सिवाय एक कॉन्सेप्ट की बात क्या गुड्स इन ट्रांजिट की अकाउंटिंग एंट्री पास करने के एंड नथिंग एल्स ट्रायल बैलेंस आपके पास मौजूद है आपने सेल्स और गुड्स सप्लाई टू हेड ऑफिस इन दोनों को इनकम बनाया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसमें से लेस किंग ग्रॉस प्रॉफिट आया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस आपने माइनस किए आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया अब नेक्स्ट स्टेज क्या है इसकी बैलेंस शीट बना लें और उसके बाद ये तमाम इंफॉर्मेशन को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे हेड ऑफिस की बुक्स में याद है ना तीन स्टेप्स आपको बताए थे नंबर वन रिकंसाइल करना है नंबर टू कुछ एडजस्टमेंट करनी है और नंबर थ्री इनकॉरपोरेशन करनी है इस सवाल में एडजस्टमेंट नहीं है लिहाजा पहला स्टेप रिकंसिलिएशन का थर्टी सेवन हंड्रेड की अकाउंटिंग एंट्री पास कर ली दूसरा स्टेप स्किप कर दो एडजस्टमेंट वाला स्किप अब कौन सा हमने स्टेप करना है इनकॉर्पोरेशन का वो जब बात आएगी तो हम इनकॉर्पोरेशन की अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर लेंगे लेकिन इनकॉर्पोरेशन से पहले पहले हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना होती है इनकम स्टेटमेंट बना ली नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया अब जनाब बैलेंस शीट की तरफ आइए अब देखिए बैलेंस शीट में आपको नजर आ रहा है फिक्स्ड एसेट्स फर्नीचर सिक्स थाउजेंड रुपीज के हैं। आपको यह सिक्स थाउजेंड बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने कुछ स्टूडेंट्स यहां पर एक गलती करेंगे वो 400 की डेप्रिसिएशन को 6,000 में से माइनस करना चाहेंगे देखिए जनाब इस चीज की तरफ तवज्जो धरिएगा जिस अकाउंटिंग एंट्री का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में मौजूद है इसका मतलब है कि उसके डेबिट एंड क्रेडिट ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट दे चुके हुए आपको ट्रायल बैलेंस में 400 की डेप्रीसिएशन नजर आ रही है वट डज दिस मीन कि ये 400 हंड्रेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट हो चुका हुआ है और उस फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट हो चुका हुआ है इन अ वे फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है अब फर्दर इसको फिक्स एसेट में से माइनस नहीं किया जाएगा ट्रायल बैलेंस में मौजूद है ना डेप्रीसिएशन तो ट्रायल बैलेंस में अगर डेप्रीसिएशन आपको डेबिट साइड पर फोर हंड्रेड रुपीज की नजर आ रही है तो इट मींस के ट्रायल बैलेंस में ही इसका क्रेडिट इफेक्ट इससे रिलेटेड अकाउंटिंग हेड को दिया जा चुका है और वो रिलेटेड अकाउंटिंग हेड कौन सा है फर्नीचर का लिहाजा अब बैलेंस शीट में दोबारा से आप वो ट्रायल बैलेंस में मौजूद फर्नीचर के सिक्स थाउजेंड में से फोर हंड्रेड की डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे गलती हो जाएगी अदरवाइज ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको ओके ने जी नेक्स्ट हमने करंट एसेट्स दिखाने हैं अब क्वेश्चन में देखिए आपको करंट एसेट्स नजर आ रहे हैं सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक फिर उसके बाद डेटर्स और एक चीज मजीद जो कि आपने रिकंसिलेशन में शामिल की थी इसके अंदर दैट वाज गुड्स इन ट्रांसिट और फिर कैश एट बैंक तो जी इसे आप देखिए बैलेंस शीट में आप स्टॉक सेवेंटी सेवन हंड्रेड रुपीज के डेटर्स थर्टी सेवन हंड्रेड रुपीज गुड्स इन ट्रांसिट थर्टी सेवन हंड्रेड रुपीज और कैश एट बैंक वन टोटल आपके पास एसेट्स आ गए ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी रुपीज ये हमने अपने टोटल एसेट्स की डिटेल तो बता दी बैलेंस शीट के अंदर एंड वट टू डू नेक्स्ट वी हैव टू शो द्विटी एंड लाइबिलिटीज अगेंस्ट दीज टोटल एसेट्स लेकिन प्रॉब्लम है एक के ब्रांच में ऑनर्स इक्विटी तो होती नहीं तो आई हैोल्ड यू अर्लियर कि ब्रांच में हेड ऑफिस का अकाउंट रिप्लेस कर रहा होता है ऑनर्स इक्विटी को लिहाजा हम यहां पर ऑनर्स इक्विटी की जगह हेड ऑफिस का अकाउंट शो करेंगे और उस हेड ऑफिस के अकाउंट में हम प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच को देखिए आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास हेड ऑफिस का अब क्रेडिट बैलेंस है फोर सिक्सटी रुपीज का उसमें हम प्लस कर रहे हैं हमारे मरी ब्रांच के नेट प्रॉफिट को विच इज ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी टोटल हमारे पास आ गया जी ट्वेंटी वन थाउजेंड एंड थर्टी रुपीज ये है वो फिगर जो रिप्रेजेंट कर रही है लाहौर हेड ऑफिस की तरफ से की गई टोटल फाइनेंस को और इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट्स को अब इसके नीचे हमने लिखनी है जी लायबिलिटीज तो अब देखिए लाइबिलिटीज में हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है दैट इज क्रेडिटर्स 1,850 रुपीस टोटल कीजिए 22,880 बैलेंस शीट का टोटल टैली टोटल एसेट्स के साथ बैलेंस शीट बन गई प्रॉफिट एंड लॉस कौन पहले बन चुका था अब नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज द लास्ट स्टेप इन दिस इंडिपेंडेंट ब्रांच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट इज इन द ब्रांच रिजल्ट इंटू द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस तीन अकाउंटिंग एंट्रीज वहां पर मैंने आपको बताई थी नंबर वन ब्रांच के नेट प्रॉफिट को आपने हेड ऑफिस में ट्रांसफर करना है. तो देखिए अकाउंटिंग एंट्री बनेगी ये कि ब्रांच अकाउंट डेबिट बीस हजार पांच सौ सत्तर से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बीस हजार पांच सौ सत्तर यू हमारी प्रॉफिट की फिगर हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकॉर्पोरेट हो गई अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमने ब्रांच के एसेट्स को हेड ऑफिस के एसेट्स में इनकॉर्पोरेट करना है तो जो ब्रांच की बैलेंस शीट में एसेट्स थे उन तमाम को अब हम डेबिट करेंगे अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी यस फर्नीचर अकाउंट 6000 से डेबिट आपको नजर आ रहा है डेटर्स अकाउंट 3700 से डेबिट क्लोजिंग स्टॉक 7700 से डेबिट गुड्स इन ट्रांसिट ये नहीं भूलने आपने ये ब्रांच का एसेट है 3700 से डेबिट कैश एट बैंक 1780 से डेबिट एंड ब्रांच अकाउंट 22880 से क्रेडिट यू हमारे एसेट्स भी इनकॉर्पोरेट हो गए हेड ऑफिस की बुक्स में ये अकाउंटिंग एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में पास की जा रही हैं। अब लास्ट अकाउंटिंग एंट्री जिसमें के ब्रांच के क्रेडिटर्स को इनकॉर्पोरेट करना है हेड ऑफिस में तो देखिए हम डेबिट करेंगे ब्रांच अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट को 1,850 थाउजेंड से ले सवाल खत्म हो गया हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया हमने किया क्या सबसे पहले तो ब्रांच ट्रायल बैलेंस में मौजूद हेड ऑफिस के अकाउंट बैलेंस को रिकंसाइल किया हेड ऑफिस में मौजूद ब्रांच के अकाउंट बैलेंस के साथ फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और फिर बैलेंस शीट बनाई किसकी ब्रांच की और फिर उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में मौजूद इंफॉर्मेशन को हमने इनकॉर्पोरेट किया हेड ऑफिस के अंदर इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं थी अब मैं आपको एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करवाने लगाऊ इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मजीद ऐड करके उसको हम सॉल्व करेंगे अब ये जो मैं एडजस्टमेंट आपको देने लगाऊ यह एक्सपेंसिस से मुतलक है और डेप्रीसिएशन से मुतलक है यानी कि हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसिस ब्रांच को एलोकेट किए हैं क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी और कुछ ब्रांच के एसेट्स हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है उस पर जो डेप्रिसिएशन है वह किस तरह से ब्रांच की बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी और अल्टीमेटली ब्रांच के प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करेगी और फिर उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम इंकॉर्परेट करेंगे हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर आइए इसी क्वेश्चन के आगे हम देखते हैं मजीद क्या कंटिन्यूटी में आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की एलोकेशन है हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को वन थाउजेंड रुपीज और डेप्रिसिएशन चार्ज ब्रांच के इक्विपमेंट्स पे 10% बनता है स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत और ये ब्रांच के इक्विपमेंट्स का अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में मेंटेन हो रहा है जिसकी कॉस्ट है फाइव थाउजेंड इन दो इंफॉर्मेशन के अलावा बाकी की तमाम इंफॉर्मेशन वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में मौजूद थी यानी कि वही प्रीवियस क्वेश्चन उसके अंदर ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप शामिल कर लीजिए तो उस प्रोस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे रिकनसीलेशन की अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे थर्टी सेवन है जो कि हमें मालूम है अब रिकंसाइल हो गए दोनों बैलेंसेस 460 460 हेड ऑफिस की बुक्स में तो पहले डेबिट बैलेंस था 460 का अब ब्रांच की बुक्स में भी 460 का क्रेडिट बैलेंस आ गया हेड ऑफिस अकाउंट में अब नेक्स्ट स्टेप आता है एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट है एक्सपेंसिस को एलोकेट करने की वो क्या एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट के वन थाउजेंड रुपीज के एक्सपेंसिस की एलोकेशन है हेड ऑफिस की बुक्स में इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी देखिए ब्रांच अकाउंट डेबिट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट वन थाउजेंड रुपीज और इसी ट्रांजेक्शन के लिए अब आप देखिएगा ब्रांच की बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री पास हो रही है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट वन थाउजेंड रुपीज लें जी, ये दोनों अकाउंटिंग एंट्रीज क्या शो कर रही हैं कि एक्सपेंस हमने एलोकेट किया है यानी कि हेड ऑफिस ने एलोकेट किया है ब्रांच को हेड ऑफिस के एक्सपेंसिस में चूंकि कमी हुई है इसलिए हेड ऑफिस उन एक्सपेंसिस को क्रेडिट कर रहा है ब्रांच के एक्सपेंसेस में चूंके इंक्रीज हुई है इसलिए ब्रांच उन एक्सपेंसेस को डेबिट कर रही है अपनी बुक्स में और सेकंड फैक्ट हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच को और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस को एंड आई हैव टोल्ड यू लियर कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अगर डेबिट कर रही है तो वो दूसरी पार्टी पहली पार्टी को क्रेडिट करेगी हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच डेबिट हो रही है तो आप देखिए ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है रिकन्सिलेशन इफेक्ट तो नहीं होगी ना डेबिट क्रेडिट चूंकि पहले हमारे बराबर हैं अब इन डेबिट क्रेडिट की वजह से हमारे बैलेंसेस बराबर ही रहेंगे सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ तशरीफ लाए दैट इज रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन एक्पमेंट अब वो इक्विपमेंट की कॉस्ट है फाइव थाउजेंड रुपीज और उसकी डेप्रिसिएशन है टेन परसेंट स्ट्रेट लाइन मेथड पर स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन गया 500 रुपीस का 500 रुपीस से अगेन हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या अक्यूमुलेटिप्रीसिएशन अकाउंट या डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट अक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा अकाउंटिंग एंट्री देख लीजिए ब्रांच अकाउंट डेबिट फाइव से और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट फाइव से देखे भाई मैं जाती तौर पर समझता हूं कि यहां पर फिक्स एसेट अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी नहीं करने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यूज होना चाहिए डायरेक्टली फिक्स एसेट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए लेकिन हाँ अगर बुक्स ने आसानी पैदा करने के लिए स्टूडेंट्स को इस तरह से समझाया हो कि फिक्स एसेट ही क्रेडिट कर दिया हो तो कोई मुजाहका नहीं है कोई परेशानी नहीं है ठीक है अब इसी एडजस्टमेंट को ब्रांच की बुक्स में कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा ब्रांच अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर रही है और क्रेडिट हेड ऑफिस अकाउंट को दिया जा रहा है फाइव हंड्रेड रुपीज से लेन जी ये अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर चुकने के बाद अब आप देखिए कि हेड ऑफिस में मौजूद मरी ब्रांच का अकाउंट और मरी ब्रांच में मौजूद हेड ऑफिस का अकाउंट किस तरह का दिख रहा है हम देख रहे हैं कि जी हेड ऑफिस की बुक्स में मरी ब्रांच का डेबिट बैलेंस था फोर सिक्सटी रुपीज जिसमें के एडवर्टीजमेंट की वजह से वन थाउजेंड डेबिट हो रहे हैं यहां पर एडवर्टीजमेंट वन थाउजेंड का यह हरगिज मतलब नहीं है कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है इसका मतलब है कि ब्रांच अकाउंट डेबिट हो रहा है एडवर्टीजमेंट अकाउंट की वजह से अकाउंटिंग एंट्री आप देखिए दोबारा ब्रांच अकाउंट डेबिट और एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्रेडिट लिहाजा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर वन थाउजेंड रुपीज आपको दिखाई दे रहे हैं इन द सेम वे वो जो अकाउंटिंग एंट्री थी मरी ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट तो उसका डेबिट भी यहां पर फाइव हंड्रेड रुपीज पोस्ट हो गया और कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हमारे पास आ गया वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी रूपीज अब आप मरी ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस फोर सिक्सटी क्योंकि रिकनसाइल हो चुका हुआ था क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है और मरी ब्रांच की बुक्स में इन अकाउंटिंग एंट्रीज का इफेक्ट क्रेडिट साइड पर पोस्ट हो रहा है हेड ऑफिस अकाउंट में आप देखिए अकाउंटिंग एंट्री थी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड ड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट इस अकाउंटिंग एंट्री का क्रेडिट इफेक्ट पोस्ट हो गया वन थाउजेंड रुपीज हेड ऑफिस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड हेड ऑफिस क्रेडिट इस अकाउंटिंग एंट्री का इफेक्ट भी हेड ऑफिस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर पोस्ट हो गया फाइव हंड्रेड रुपीज अब जी कैरी फॉरवर्ड बैलेंस इसका डेबिट साइट पर यानी के क्रेडिट बैलेंस है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी अब दोनों को आप कंपेयर करके देख लीजिए बैलेंस अभी भी बराबर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है याद कीजिए मैंने आपको समझाया हुआ है कि सबसे पहले रिकंसिलेशन उसके बाद एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट के बाद प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट अब वो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी जिसमें के ये एडजस्टमेंट्स शामिल किए जाएंगे इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई हुई है पहले से आप देख लीजिए उस इनकम स्टेटमेंट में अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वन मजीद नजर आ रहा है और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फाइव हंड्रेड रुपीज मजीद नजर आ रहा है जिसकी वजह से अब नेट प्रॉफिट हमारा रिड्यूस होकर नाइनटीन थाउजेंड आ गया यह नाइनटीन थाउजेंड का नेट प्रॉफिट अब बैलेंस शीट में हेड ऑफिस अकाउंट में प्लस होगा लिहाजा अब आप बैलेंस शीट को देखिए बैलेंस शीट में बाकी की इंफॉर्मेशन उसी तरह जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व की थी आप देख सकते हैं एसेट्स में कोई तब्दीली नहीं आई हाँ हेड ऑफिस अकाउंट जो के 1960 थाउजेंड के क्रेडिट बैलेंस के साथ है उसमेंटी रुपीज ऐड हो गए और उसके नीचे अब हम देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिटर्स 1850 थाउजेंड एट है लिहाजा बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल ही रही क्यों भाई इन एडजस्टमेंट ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया आई गेस ऐसी कोई परेशानी नहीं थी इसके अंदर हमने देखो किया क्या सिंपली हमने ब्रांच अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दो मजीद एक्सपेंसेस शामिल कर लिए जिनकी वजह से हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया एक्सपेंसेस शामिल करने के अगेंस्ट डेबिट और हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस ये दोनों चीजें बढ़ गई अब हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस जो बढ़ा है वो जाएगा बैलेंस शीट में और वो जो एक्सपेंसिस बढ़े हैं वो गए इनकम स्टेटमेंट में लिहाजा इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसिस बढ़ने की वजह से हमारे प्रॉफिट रिड्यूस कर गए और वो रिड्यूस्ड प्रॉफिट हमारे इंक्रीज हेड ऑफिस के क्रेडिट बैलेंस में जब शामिल हुए तो नेट इफेक्ट तो वही आया बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा और बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई सवाल खत्म हां एक बात इन कॉरपोरेशन की तरफ अब हम चलेंगे इन कॉरपोरेशन में नेट प्रॉफिट की फिगर को जो हमने इनकॉर्पोरेट किया था वो तब्दील हो चुकी हुई है अकाउंटिंग एंट्री वही कि ब्रांच अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट लेकिन अब अमाउंट जो होगी वो देखिए तब्दील है नाइनटीन थाउजेंड सेवेंटी रुपीज इसके अलावा दोनों एंट्रीज में कोई फर्क नहीं आया, यानी कि एसेट्स वही 22,880 टू थाउजेंड एट एटी के और लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स वही वन थाउजेंड आप, एट हंड्रेड एंड आपको मुबारक हो ब्रांच अकाउंटिंग का टॉपिक खत्म हुआ आपने ब्रांच अकाउंटिंग में डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ ली इनडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ ली अब मजीद बातें जो हैं प्रैक्टिस के साथ परफेक्शन आएगी अब आपने मजीद जो भी चीज सीखनी है वो प्रैक्टिस के जरिए से सीखनी है और सहारा लेना है आपने डिस्कशन बोर्ड का अब मैं नेक्स्ट टॉपिक हल्का फुल्का सा आपको मुतारफ करवा दूं वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स से मुतल मुझे बखूबी इस वक्त अंदाजा है आप लोगों के जज्बात का आप यकीन इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि काश सर हमारे सामने होते या हम सर से क्लासरूम इन्वायरमेंट में पढ़ रहे होते तो हम कभी नया टॉपिक स्टार्ट ना करने देते कि सर अभी अभी, अभी आपने ब्रांच अकाउंटिंग खत्म की है और साथ ही पार्टनरशिप अकाउंट्स शुरू करने लगे हैं भाई इसी चीज का तो मैं फायदा उठा रहा हूं कि मुझे इस वक्त आपका शोर सुनाई नहीं दे रहा कि बस सर बस सर, आगे नहीं पढ़ना खत्म हो गया छोड़ने हम पार्टनरशिप अकाउंट्स की बहुत मुख्तर सी बातें करेंगे और मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आप पर ये बातें भारी नहीं होंगी आसानी से समझ आ जाएंगे आप मुझे बताइए अभी तक आपने सोल प्रोपर्टीशिप की अकाउंटिंग पढ़ी सोल प्रोपर्टीशिप की अकाउंटिंग में आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी और बैलेंस शीट भी बनाना सीखी जितनी इनकम स्टेटमेंट का रिजल्ट हुआ करता था यानी कि नेट प्रॉफिट उस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर प्लस कर दिया करते थे ड्राइंग्स लेस कर दिया करते थे तो हमारे पास ऑनर्स इक्विटी आ जाया करती थी यह बात कुछ मुश्किल नहीं हमारे लिए कि ट्रायल बैलेंस दिया गया हो तो हम इनकम स्टेटमेंट ना बना सकें या बैलेंस शीट ना बना सकें भाई अगर पार्टनरशिप बिजनेस है जिसमें कि आपको मालूम है कि दो या दो से ज्यादा ऑनर्स होते हैं जिनको कि हम पार्टनर्स कहते हैं उसकी अकाउंटिंग भी तो उसी तरह से हो रही होगी जिस तरह से के सोल प्रोपार्टरशिप की अकाउंटिंग हुआ करती है यानी कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के तहत वहां पर भी लेजर अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होंगे और अल्टीमेटली उनका ट्रायल बैलेंस बन रहा होगा और उसी ट्रायल बैलेंस की मदद से आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना आती है लिहाजा वही काम जो सोल प्रोपार्टरशिप में था आपको पार्टनरशिप में भी नजर आएगा एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा जिस ट्रायल बैलेंस में वही एसेट्स वही लाइबिलिटीज उसी तरह के एक्सपेंसेस, उसी तरह की, की इनकम्स। हां अलबत्ता ऑनर्स इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अगर हम सपोज करते हैं दो पार्टनर्स हैं तो दो कैपिटल नजर आएंगे और दो ही ड्राइंग्स नजर आएंगे मुश्किल बात या थोड़ी सी डिफरेंट बात पार्टनरशिप अकाउंट्स में यह है कि हमें अब पार्टनरशिप के नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है पार्टनर ए और पार्टनर बी के कैपिटल में शामिल करने के लिए क्योंकि अब ए की अलग से ऑनर्स इक्विटी की फिगर रिक्वायर्ड है और बी की अलग से ऑनर्स इक्विटी की फिगर रिक्वायर्ड है यहां पर अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना होगा। यानी कि यूजल तरीके से आपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया कुछ मुश्किल नहीं आई ट्रायल बैलेंस से सेल्स उठाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट किया ग्रॉस प्रॉफिट हासिल किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया अदर इनकम कोई अगर है तो प्लस की आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया इतनी सी बात तो आपको आसानी से समझ आ जाती है अगली बात कि आप उस नेट प्रॉफिट की डिवीजन अमंग द टू पार्टनर्स पार्टनरशिप में सबसे बड़ा मसला होती है फर्ज कर लें कि हमारी इस पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी मिस्टर ए ने वन हंड्रेड थाउजेंड रुपीज का कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है बिजनेस के अंदर और मिस्टर बी ने टू हंड्रेड थाउजेंड रुपीज का कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म में अब जब प्रॉफिट होगा सपोजली प्रॉफिट हुआ सेवेंटी थाउजेंड रुपीज का वो जो सेवेंटी थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट है उसको हमने ए और बी में डिवाइड करना है बी कहता है कि जनाब मेरा कैपिटल तो ज्यादा है लिहाजा मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए प्रॉफिट में से बात समझ भी आती है ए चीख उठता है कहता है जनाब मैं इस बिजनेस में ज्यादा टाइम डिवोट करता हूं बी तो दो एक घंटे के लिए आता है मैं तो सुबह से लेकर रात तक दस घंटे की ड्यूटी देता हूं इस बिजनेस के अंदर लिहाजा मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए मिस्टर ए एक और बात पर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है वो कहते है जी कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं मेरे बिजनेस कॉन्टेक्ट से ज्यादा है ये बिजनेस मेरी वजह से ज्यादा चल रहा है लिहाजा मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए सेवेंटी थाउजेंड में से झगड़ा पड़ गया अब इस झगड़े को खत्म करने के लिए हम कहते हैं कि वो सत्तर हजार रुपए की डिविजन कैपिटल के ज्यादा होने को भी जस्टिफाई करें टाइम की ज्यादा डिवोशन को भी जस्टिफाई करें और एक्सपीरियंस एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को भी जस्टिफाई करें उसका तरीकेकार फिर यह है जी कि हम एक रेट डिटरमिन कर लेते हैं जो कि कैपिटल पर इंटरेस्ट के लिए होगा सपोजली हम कहते हैं कि 10 परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को प्रॉफिट में से दिया जाएगा सैलरी ए को मिलेगी बी को नहीं मिलेगी क्योंकि ए ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है बी टाइम ही नहीं दे रहा यह मेहनत के अगेंस्ट प्रॉफिट में से डिवीजन हो गई और बाकी का जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को ए और बी में जब डिवाइड करेंगे तो हम रेशो जो डिटरमिन करेंगे उसमें ए की रेशो बी से ज्यादा होगी सपोजली ए को तीन बटा पांच हिस्सा उस प्रॉफिट में से मिलेगा और बी को दो बटा पांच हिस्सा उस प्रॉफिट में से मिलेगा यानी कि द रेशो टू डिस्ट्रीब्यूट रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट विल बी थ्री रेशो टू आइए अब यह छोटा सा जो मैंने स्नेरियो डिवेलप किया है इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आप इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट है सेवेंटी थाउजेंड रुपीज का इस नेट प्रॉफिट की डिविजन के लिए हमारे पास पहला बहाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं हमारे पास वन हंड्रेड थाउजेंड रुपीज एंड टू हंड्रेड थाउजेंड रुपीज रिस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है टेन थाउजेंड बाइंग दिस टेन परसेंट ऑन इट एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज अब ये टेन थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड इन दोनों को हम इकट्ठा करें और सेवेंटी थाउजेंड में से माइनस करते हैं तो हमारे पास बी की परेशानी का हल आ गया कि बी जो चीख रहा था कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मेरा कैपिटल ज्यादा है तो हमने कहा लो जनाब कैपिटल की बुनियाद पर सत्तर हजार रुपए में से आपको बीस हजार रुपये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ए को दस हजार रुपए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तसल्ली रखो कि ए को कैपिटल की बुनियाद पर हाफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तुम्हारी निस्बत बी खुश हो गया अब आए जी ए की तरफ ए ने कहा कि जनाब मेरी मेहनत ज्यादा थी मुझे क्यों कम दे रहे हैं हमने कहा फिक्र नहीं करो आपकी अगर मेहनत ज्यादा थी तो आप 2000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी ले लें बी को नहीं देंगे अब आप देखिए ए को 2000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का 24000 फोर आप प्रॉफिट में से दे रहे हैं जबकि बी को आप सैलरी की मद में कुछ भी नहीं दे रहे तो 24000 फोर प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और सिर्फ ए को मिलेगा बी को सैलरी हेड में कुछ नहीं मिला यू बाकी हमारे पास रह गया सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज ये सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज अब ए और बी में डिवाइड होगा थ्री रेशो टू में इसमें थ्री बाय फाइव रेशो है ए की क्योंकि उसके बिजनेस कॉन्टेक्ट ज्यादा थे और बी के बिजनेस कॉन्टेक्ट कम थे हमने एग्री किया कि जी ठीक है बी को टू बाय फाइव मिलेगा सिक्सटीन थाउजेंड की थ्री बाय फाइव अमाउंट बनती है नाइनटी सिक्स हंड्रेड और बी की टू बाई फाइव अमाउंट बनती है सिक्सटी फोर हंड्रेड रुपीज लेजी ये नाइनटी सिक्स हंड्रेड रुपीज और सिक्सटी फोर हंड्रेड रुपीज मिलकर बन गए सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज अब ये सिक्सटीन थाउजेंड ही तो डिवाइड करने थे सो कर दिए एंड नो लेफ्ट विद नील बैलेंस फॉर दैट सेवेंटी थाउजेंड रुपीज हमारे पास सेवेंटी थाउजेंड रुपीज के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट था हमने सेवेंटी थाउजेंड को ही डिवाइड किया ए और बी में लेकिन बहाने बनाए हैं हमने तीन यह मत समझिएगा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं ए को या बी को यह मत समझिएगा कि हम सैलरी दे रहे हैं ए को और ना ही प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन का तीन पटा और दो पटा कैश में पे किया जा रहा है हम ये तीनों बातें बहाने के तौर पर यूज कर रहे हैं ए को हम कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा कैपिटल कम है तुम्हें कैपिटल की बुनियाद पर सत्तर हजार रुपए में से कम हिस्सा मिलेगा बी का चूंकि कैपिटल ज्यादा है लिहाजा उसको कैपिटल की बुनियाद पर सत्तर हजार रुपए में से निस्बतन डबल मिल रहा है एक है। फार एज मेहनत इज कंसर्ण ए को हमने मेहनत के अगेंस्ट चौबीस हजार रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी आउट ऑफ सेवेंटी थाउजेंड का प्रॉफिट और एज फार एज बिजनेस कॉन्टेक्ट एंड एक्सपीरियंस आर कंसर्न तो ए को बी की निस्बत ज्यादा प्रॉफिट में से हिस्सा मिला अब ए और बी दोनों सेटिस्फाइड देखिएगा कि ए का कुल हिस्सा बन गया 43,600 थ्री थाउजेंड और बी का टोटल हिस्सा बन गया 26,400 सिक्स ये यह अब उनके कैपिटल अकाउंट्स में प्लस हो जाएगा और ड्राइंग्स उसमें से माइनस हो जाएंगे ठीक है सो so, मालूम यह हुआ कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एक अहम मसला जरूर है लेकिन जहां तक बाकी की अकाउंटिंग का तालुक है वो सिंपल ही है वो उसी तरह से है जैसा कि आप सोल प्रोपर्टरशिप की अकाउंटिंग किया करते थे यानी कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बनाई नेट प्रॉफिट आया उस नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला जब हल हो गया तो बैलेंस शीट उसी तरह से है जैसे कि नॉर्मली बनाई जाती थी क्लियर ले जी नेक्स्ट लेक्चर में ताला पार्टनरशिप से मुतलक मजीद बातचीत होगी आपको मैं कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के बनाना सिखाऊंगा और पार्टनर्स के करंट अकाउंट से मुतल बातचीत करूंगा और फिर पार्टनरशिप से मुतल कुछ मजीद कॉम्प्लेक्स बातें भी होंगे मुझे आप इजाजत दीजिए लेकिन एक जरूरी बात याद रखिए कि ब्रांच अकाउंटिंग की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है आपके हैंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मौजूद हैं उन्हें अपने जरूर प्रैक्टिस करना है और डिस्कशन बोर्ड के साथ आपने बराबर रहा रखना है अल्लाह हाफिज